नमस्कार दोस्तों, मैं नीलू सिवार है। आज आपके लिए मैं क्लास 12 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का जो पोस्टर पहला आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, वो लेके आया हूँ। सभी ध्यान समझे, क्योंकि ये 4 नंबर में अरबस पेपर में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, लॉस्ट एंड फाउंड हुआ, फोर सेल हुआ, रिक्वायर्ड हुआ, टू लेट हुआ, अनुवर बहुत सारे होते हैं। इनको बनाने का तरीका हमें आना चाहिए, ना कि इनको रटने का। ध्यान से देखें, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, एड कह दो, पोस्टर कह दो, कुछ भी कह दो, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे एड, वो हमें क्वेश्चन में देखकर, क्वेश्चन को देखकर हम किस प्रकार से पोस्टर को बनाएंगे, आज हम वो तरीका सीखने जा रहे हैं। ध्यान से समझे, 4 नंबर आपके पक्के, 4 नंबर आपको अगर पक्का करना है तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखें। तो सबसे लिखा हुआ यू आर अंकिता गौतम, अंकिता गौतम हो, कहने का मतलब नाम पर नहीं जाना है, पेपर में नाम बदल कर भी आ सकता है, हमें सिर्फ समझना है अंकिता गौतम हो, 49 मकान नंबर है, अरेला कॉलोनी भोपाल है, वो यहाँ तो भोपाल लिखा हुआ है, इंदौर आ सकता है, जबलपुर आ सकता है, एड्रेस कुछ भी आ सकता है। राइट ए, राइट ए क्लासिफाइड बिना चित्र के, इसके बिना चित्र के विज्ञापन देना है, एडवर्टाइजमेंट देना है, पोस्टर लगाना है, बनाना है, किसका, लॉस्ट एंड फाउंड। ध्यान रखे हमारा जो शीर्षक है, टाइटल क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले यहां एक लाइन इधर और एक लाइन इधर इस प्रकार खींच लेंगे हम। और बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिख देंगे, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड चाहो तो कैपिटल में लिख दो, इस प्रकार से। तो यहां में क्या करना है, यहां पर लिखा है लॉस्ट एंड फाउंड, जो चीज खो गई है उसको हमें पाना है, या किसी को मिल गई वो हमें देगा, उसके लिए हमें किस प्रकार से एड बनाना है। ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, आपके जो घरों में वितरित होता होगा पेपर, उसमें हमें एड एड छाप कर देना है, ताकि हमारी जो चीज खो गई है वो मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉस्ट, खो गया है, क्या खो गया है, कब खो गया है, किस, क्या रखा था। इसके बाद में इसमें क्या करना है, कब खो गया है, कब के लिए क्या करेंगे, वाइल लिख देंगे। 4 चीजें कौन कौन सी, लॉस्ट हो गया, वाइल हो गया, कंटेंस हो गया, ऑन और कब खोया है। तो 3-4 चीजें हम इसमें लगाएंगे और हमारा बन के तैयार होगा। सबसे पहले बेटा आपको क्या लिखना है, लॉस्ट, लॉस्ट लिखो यहां, लॉस्ट के बाद में आपको क्या करना है, फाइल लिखना है, कहां खोया है, कब खोया है, कैसे खोया है,
कंटेंट्स क्या रखा था, क्या चीजें थी उसमें, आवश्यक चीजें क्या थी क्या नहीं थी, अब इसके बाद में यहां पर देखना हमें तो और ऑन। अब लॉस्ट हमारी खोई है, जो चीज खोई है किसी में तो रखी होगी, स्कूल के बैग में रखी होगी, पर्स में रखी होगी, कुछ भी हमें यहां पर दे रखा है, का खोया इसमें कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो हमारी चीज कहां खो सकती है, स्कूल का बैग हो, पर्स हो, सूटकेस हो, कुछ भी, तो किस क्या लिखेंगे, लॉस्ट ए, ब्लैक लिख दो, रेड लिख दो, ब्लू लिख दो, कुछ भी, बैग का कलर लॉस्ट ए, ब्लैक बैग क्या हो गया, स्कूल बैग लिख लो, लॉस्ट ए ब्लैक स्कूल बैग, अब हमें फाइल कब खोया है, कैसे खोया है, कहां खोया है देखना है, क्या कर रहे थे हम, वाइल ये लिखा है यहां, वाइल ट्रेवलिंग इन ए लोकल बस, हम क्या कर रहे थे, हमारे जो आसपास चलने वाली बस है, लोकल बस है, उसमें हम सफर कर रहे थे, तो यात्रा कर रहे थे, क्या लिखेंगे, वाइल ट्रेवलिंग, यहां देखकर लिखना है, मुझसे कुछ भी नहीं लिखना है बेटा, इन ए लोकल बस, ट्रेवलिंग इन ए लोकल बस, चाहो तो बस का नंबर लिख सकते हो, MP08 MP39 कुछ भी, बस नंबर लिख सकते हो, बस का नेम भी लिख सकते हो, कंटेंट्स इसमें क्या था, कंटेंट्स देखना है, इसमें देख के लिखेंगे बुक्स, बुक्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यहां पर देख के लिखना है ये बुक्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऑन कब गए, तारीख लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, 20 दिसंबर 2018, इसके बाद में हमें कॉन्टेक्ट लिखना है, अब देखो भाई जिसको ये चीज मिली उसको बोलेंगे फाइंडर, क्या बोलेंगे, फाइंडर, जिसको जो चीज मिली है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइंडर, फाइंडर रिक्वेस्टेड, जिसको मिली उसको क्या लिखेंगे, जिसको चीज मिली उसको बोलेंगे फाइंडर रिक्वेस्टेड, उससे प्रार्थना करेंगे हम कि हमें क्या करे, फाइंडर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न, हमें क्या करे वो वापस, रिटर्न, इसके बाद में लिखेंगे क्या, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्ट क्या है हमारा 49 जो दे रखा है इसमें बोल लीजिए, कॉन्टेक्ट 49 अरेरा कॉलोनी भोपाल,
अरेरा कॉलोनी भोपाल नेम लिख देंगी, क्या नेम दे रखा इसमें? अंकिता गौतम, अंकिता गौतम नेम लिखेंगी। मोबाइल नंबर लिख दो, बस ये हमारा पोस्टर बनकर तैयार है लॉस्ट एंड फाउंड का। इसमें आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम में देखकर, प्रश्न में देखकर, प्रश्न पत्र में देखकर आपको बनाना है। इस प्रकार से बनेगा तो 4 नंबर आपके सुरक्षित रहेंगे, आपके जेब में रहेंगे, ध्यान रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।